मतलब बॉस कुछ तो खतरनाक होने वाला है या फिर कुछ तो गुड न्यूज़ है या कुछ तो ट्विस्ट आएगा अभी कुछ तो बॉम्ब फूटेगा थोड़ी सी डर गई थी कि अब क्या होगा I need everyone in the next 5 minutes by the cage, please. Okay? आज जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे मन में यही चल रहा था और दिल थोड़ा धक धक कर रहा था I walked out with everybody, came down over here. Everybody got into their positions. There was this massive screen right in front of the cage. Everybody's like, hey, what's that? Like, you know. मुझे ऐसा लगा कि कुछ पिक्चर वगैरह दिखा रहे सरप्राइज पार्टी की तरह गुड आफ्टरनून सर कैसा गया आपका पहला दिन इस स्क्रीन के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसे हम रैंडमाइजर बोलते हैं अब तक जो भी कुछ हो रहा है इस घर में सब कुछ शॉकिंग हो रहा है एकदम सरप्राइज हो जाता है जो भी कुछ हो जाता है ये आपके आने वाले 4 हफ्तों डिसाइड करेगा कि कौन पहले लड़ रहा है और उसके बाद एवरी वीक कौन कौन लड़ रहा है Crap, man. Just first day into camp. Everybody's just getting comfortable, making new friends. And before you know it, names are gonna come up and we're already making rivals. It came as a shock to me because I didn't really expect that to happen too soon. So, जैसे-जैसे आपका नाम स्क्रीन पे आएगा, आप यहाँ आगे आएंगे, हाथ मिलाएंगे और वापस अपने पोजीशंस में जाएंगे. मेरी हार्टबीट, मेरा पल्स रेट एकदम से इंक्रीज हो गया एक रॉकेट की तरह. Let the randomizer start, please. So everybody's names started coming in. We had pictures going over, and suddenly 2 names would come in. These were the opponents for the first week, second week, third week, and fourth week. माइंड में चल रहा था कि अब क्या होगा कौन किसके अगेंस्ट फाइट करेगा मेरी फाइट कब होगी क्योंकि मैं इंजर्ड थी तो मैं टेंशन में थी कि बॉस अगर तेरा फाइट होगा फर्स्ट वीक में तो बेटा तू गई सबके होश उड़े हुए थे कि पता नहीं मेरी किसके साथ बाउट पड़ेगी और मेरी किसके साथ फर्स्ट तो फाइटर्स नीतो बर्लिन थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट थी वो कम होगी थोड़ी इमोशनल होगी मैं हमें दुख हुआ इसके बाद में भी दोनों फ्रेंड्स एक बार पहली वीक में ही अड़ गए पर लेकिन फाइट में रिंग में कोई फ्रेंड नहीं होता मैं खेलूंगी अपना पूरा 100% से वो भी अपना पूरा 100% से खेलेगी इट्स डिपेंड अपॉन पावर और स्ट्रेंथ के कौन जीतेगा हम दोनों में इन दोनों में से जो भी चला गया नुकसान तो हमारा ही होना है कि अगर गुरलीन चली गई तो नॉनवेज कौन बनाएगा और नीतू चली गई तो रोटी कौन बनाएगा नेक्स्ट मेल फाइट नंबर 1 विल बी मैं संदीप को बार बार यही बोल रहा था भाई तेरी मेरी और राजेंद्र की नहीं आनी चाहिए बाकी के साथ आ जाओ क्योंकि हम तीनों आपस में थोड़ी सी दोस्ती सी हो गई है इरफान वर्सेस राजेंद्र मेरे हिसाब से वो टॉल है और उसका रेंज अच्छा है सबसे बड़ी बात थी कि मेरा 5 kg वेट ऊपर है मुझे वो वेट भी घटाना है प्रैक्टिस भी करनी है एकदम से फर्स्ट वीक में सिर्फ 4-5 दिन की ट्रेनिंग है मुझे फर्स्ट वीक में फाइट लड़नी है वीक 2 सेकंड फीमेल फाइट विल बी This is it. Monica is your opponent and tab se wo time se I was very focused ki ab karna kya hai because she needs to cut weight. Male fight number 2 will be Siddesh versus Isaac. Which is cool for me because frankly speaking, I think I have more of a chance than Siddesh. I've seen how he trains. I think I train a lot harder than him. Ring mein agar saga bhai bhi ho to wo ring mein opponent hi hai aur competitor hi hai. Female fight number 3 will be Bianca Priya. I looked at Priyanka. See, she's such an experienced player, and uske liye Priya is like such an easy piece of cake. Wo literally uska bout mein bharta banane wali hai. I'm dead sure. Exactly, main uska weak point as such kuch bata nahi sakti.
अगर अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी ये कभी मैटर नहीं करेगा कि उस बंदी का क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है. The third male fight will be Andrew versus Krishan. एंड्रू का डिफेंस गेम ग्राउंड गेम ज़्यादा अच्छा है, पर अगर पावर के बारे में बोले तो किशन का पावर सुपरमैन से कम नहीं है, तो दोनों का टफ फाइट है होगा. सो एज आई सॉ किशन ही वाज माय अपोनेंट आई वाज लाइक मैन दैट्स टू बैड बिकॉज वी आर प्रीटी टाइट वी गुड फ्रेंड्स. छोटा सा एडवांटेज मिलता है जो फोर्थ लड़ रहा है अभी, हाँ 4 हफ्ते इस घर में. सब लड़कियों की फाइट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी और ये काफ़ी ऑब्वियस हो चुका था कि मेरा फाइट मंजीत के साथ होने वाला है. Fourth female fight will be Deepika Manjeet. अच्छा लगा कोई कराटे वाली कोई सामने आ रही है फाइटर. That was quite scary because obviously वो एक काफी experienced player है और एक काफी अच्छी boxer है. And the last male fight will be सब लड़कों की फाइट डिसाइड हो चुकी थी, मैं और संदीप बाद में बचे थे तो ये पक्का हो गया था कि हम दोनों भाइयों को ही लड़ना पड़ेगा. संदीप वर्सेस नीरज. नीरज और संदीप तो एक दूसरे को भाई मानते हैं, तो अभी देखते हैं भाई भाई का क्या कैसा फाइट होता है. एक ऐसा फील हुआ कि यार एक भाई के साथ फाइट हुई बड़ी, लेकिन अब यह फाइट्स हैं या तो इमोशनल या फिर अपना प्रोफेशनल. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, जिस काम के लिए आए थे उसकी शुरुआत हो चुकी है. हैप्पी विद योर ओपोनेंट? यू डोंट हैव अ चॉइस. अगर मैं 3 फाइट जीत जाता हूँ तो SFL के फाइनल में जा सकता है, तो मुझे खाली फाइट जीतना है इधर. आई फॉर माई सेल्फ आई रियली वांट इट, आई एम गोना डू इट. अगर आगे बढ़ना है तो लड़ना जरूरी है, चाहे लाइफ में अपने आप से लड़ो चाहे अपने अपोनेंट से. ये मेरा टेस्ट है, मेरे को पास होना है. विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक. थैंक यू सर. आज आप यहाँ पे एक चैलेंज के लिए हैं. भारत के कोने कोने से बहुत मेहनत करके आज यहाँ 16 फाइटर्स पहुंचे हैं. एंड द विनर